सभी को नमस्कार। नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में आज अपन पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, एमीनो के रासायनिक गुण। पिछले वीडियो में अपन ने एमीनो के भौतिक गुण धर्मों को डिटेल में पढ़ लिया है। अब देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स में जो अपन आज टॉपिक लेने वाले हैं वो है बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स, एमीनो के क्षारकीय गुण। ये इन एमीनो का मुख्य गुणधर्म होता है। सभी एमीन क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें से जो क्वेश्चन बनता है, जो अपने को सीखने वाली बात है, वो क्या है कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीनों की अपन क्षारकीय गुणों की तुलना करेंगे, साथ ही अपन एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीनों की तुलना करेंगे, इन एमीनों के क्षारीय गुणों की तुलना अपन अमोनिया के साथ करेंगे। तो जो तुलना होती है उसमें जो अपन इनके क्षारकीय गुणों का क्रम सीखेंगे उस पर बोर्ड एग्जाम में और विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। तो सबसे पहले तो देखिएगा अपन क्या कहते हैं, सभी एमीन क्षारीय प्रकृति के होते हैं। सभी एमीन क्षारीय गुण दर्शाते हैं। अब इस क्षारीय गुण का देखिए क्या मतलब है। अम्ल और क्षार को बताने के लिए कुछ सिद्धांत पहले दिए गए हैं, प्रस्तुत किए गए हैं, या आपने 11th में पढ़ा है। जैसे आरएनएस के अनुसार क्षार क्या होता है, वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देते हो उन्हें अपन क्षार कहते हैं, और जो H+ आयन देते हैं उन्हें अपन अम्ल कहते हैं। लुईस के अनुसार अभिक्रिया के दौरान वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह व्यवहार करते हैं वो क्षार होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही की तरह व्यवहार करते हैं वो लुईस अम्ल होते हैं। तो देखिएगा, क्षारीय गुणों में अपन इस एमीनों के गुणों को जब अपन पढ़ते हैं तो दोनों सिद्धांतों के आधार पर ही इन गुणों को पढ़ेंगे। जैसे अमोनिया है, अमोनिया को जब जल में घोलते हैं तो क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अब इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में देखिए, अमोनिया के जलीय विलयन में OH- निकला कि नहीं, तो इसका मतलब अमोनिया कैसा है, क्षारीय प्रकृति का है। तो किसके अनुसार हुआ ये, आरएनएस सिद्धांत के अनुसार हुआ। लेकिन इसमें ये H+ जुड़ा कैसे, तो इसमें जो अमोनिया है उसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर पाया जाता है, और जो जल है उसके जो दो भाग अपन देखें H+ और OH- के रूप में, तो जो H+ है वो इस नाइट्रोजन पे ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा। तो इस तरह से एक देखिए उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हुआ जिसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और ये हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही की तरह व्यवहार कर रहा है, तो इस पे आ गया प्लस, और जो जल का बचा हुआ भाग है OH- वो इसके साथ आकर्षण बल से जुड़ जाता है। तो अमोनिया का जो जलीय विलयन है उसमें OH- भी निकला है, और इसमें अमोनिया का नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह भी व्यवहार करता है। वैसे ही अगर अपन एमीनो की बात करें, इसमें भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, और जब इसको जल में घोलते हैं, जल में मिलाते हैं, तो नाइट्रोजन पर उपस्थित जो लोन पेयर है वो जल से प्राप्त H+ के साथ सांझे में आ जाता है, और उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, और इस तरह से एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड
एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया। ठीक है, तो देखिए OH माइनस भी निकला है और यहाँ जो एमीन है उसमें नाइट्रोजन पर उपस्थित जो लोन पेयर है वो त्यागा भी जा सकता है, तो आरनियस के अनुसार भी और लुइस के अनुसार भी ये क्या है, क्षार है, क्षार की तरह व्यवहार करते हैं एमीन्स। अब इन एमीनों की तुलना अमोनिया के साथ की जाए तो ये जो क्षारीय गुण उत्पन्न हुए ये किसके कारण हुए, नाइट्रोजन पर उपस्थित जो लोन पेयर है ना इसके कारण हुए। अब इस लोन पेयर में देखिए अमोनिया आसानी से त्यागेगा या एमीन आसानी से त्यागेगा, ये निर्भर करेगा किसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। तो एमीनों में और अमोनिया में अगर अपन तुलना करें तो अमोनिया में तो नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन ही जुड़े हुए हैं, लेकिन एमीनों में नाइट्रोजन पे कम से कम एक एल्किल समूह जरूर से होगा। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, एलिफेटिक एमीन्स की बात कर रहे हैं, एलिफेटिक एमीन्स। तो एलिफेटिक एमीन्स में देखिए ये एल्किल समूह क्या करेगा, प्लस आई प्रभाव के द्वारा नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देगा। जो एल्किल समूह है वो बंद के इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन की तरफ धकेलेगा, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो लोन पेयर आसानी से त्यागा जाएगा। तो इससे अपन क्या कहेंगे कि जो एलिफेटिक एमीन्स होते हैं उनके क्षारीय गुण अमोनिया से ज्यादा होते हैं, एलिफेटिक एमीनों के क्षारीय गुण अमोनिया से ज्यादा होते हैं। कारण आपको समझ में आ गया, एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव प्रेरण प्रभाव जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। क्लियर है ये चीज। अब देखो अगर अपन प्राथमिक अमीन द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीनों की आपस में तुलना करें तो अपन क्या देखते हैं, तृतीयक अमीन में 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, द्वितीयक अमीन में नाइट्रोजन पे 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं और प्राथमिक अमीनों में नाइट्रोजन पर 1 एल्किल समूह जुड़ा होता है। तो सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव किसका पड़ेगा, तृतीयक अमीन में 3 एल्किल समूहों का पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे R NH2 ये क्या है, 1 डिग्री अमीन, और यहां मैं लिख रहा हूं ये 2 डिग्री अमीन, और ये हो गया 3 डिग्री अमीन। इनमें अगर अपन देखें तो प्राथमिक अमीनों में एक ही एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव है, 2 डिग्री अमीन में 2 एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव दर्शा रहे हैं और 3 डिग्री अमीन इस तरह से प्लस आई प्रभाव दर्शा रहे हैं। तो इनमें नाइट्रोजन पर अगर अपन इलेक्ट्रॉन घनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व कौन से वाले अणु में उत्पन्न हो जाएगा, 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा होगा। तो अपन कहेंगे नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का क्रम ये अपन देखें तो क्या है, 3 डिग्री अमीन में सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री अमीन और उससे कम 1 डिग्री अमीन है ना, और किस आधार पे देखा अपने क्रम, प्लस आई के आधार पर। अब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर ज्यादा है तो इसके क्षारीय गुण भी ज्यादा होने चाहिए, तो 3 डिग्री अमीन सबसे ज्यादा क्षारीय होना चाहिए और 1 डिग्री अमीन इन तीनों में सबसे कम क्षारीय होना चाहिए। तो अतः प्लस आई प्रभाव के आधार पर
एमिनो के क्षारीय गुणों का क्रम निम्न होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए कि सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होना चाहिए? 3 डिग्री अमीन, उससे कम 2 डिग्री अमीन, और सबसे कम क्या होना चाहिए? 1 डिग्री अमीन होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? ठीक है, किसके आधार पर? नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन घनत्व के आधार पर, जो प्लस आई प्रभाव के आधार पर अपन बताते हैं। लेकिन यहां पर जैसे जैसे नाइट्रोजन पर एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती है, एक प्रकार का प्रभाव और उत्पन्न हो जाता है, और वो क्या है? त्रिविम बाधा। ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, ये तभी तो दान करेगा जब अभिक्रिया के दौरान कोई इलेक्ट्रॉन युग्म लेने वाला कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो या लुईस अम्ल इसके साथ क्रिया करेगा। अब देखिए, इस नाइट्रोजन पर प्राथमिक अमीन में एक एल्किल समूह है, द्वितीयक अमीन में 2 एल्किल समूह है, तृतीयक अमीन में 3 एल्किल समूह है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्राही या लुईस अम्ल इससे क्रिया करने के लिए नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म लेने आएगा, तो 3 डिग्री अमीन में देखिए 3 बड़े बड़े एल्किल समूह जो लुईस अम्ल है उसके लिए त्रिविम बाधा उत्पन्न करेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से लेने नहीं देंगे। 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक बात है, लेकिन त्रिविम बाधा के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से उपलब्ध भी तो नहीं होगा ना लुईस अम्ल के लिए। तो त्रिविम बाधा के आधार पर आसानी से उपलब्ध होने वाला इलेक्ट्रॉन युग्म किस पर उपस्थित है? 1 डिग्री अमीन पर है। त्रिविम बाधा के आधार पर अगर इन एमीनों के क्षारीय गुणों को अपन देखें, तो 1 डिग्री अमीन के क्षारीय गुण सबसे ज़्यादा होने चाहिए और 3 डिग्री अमीन के क्षारीय गुण सबसे कम होने चाहिए। तो त्रिविम बाधा के आधार पर देखिए, त्रिविम बाधा के आधार पर क्षारीय गुणों का क्रम होना चाहिए। सबसे ज्यादा अमोनिया, क्योंकि इसमें तो नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन ही है, त्रिविम बाधा बहुत कम होगी। फिर 1 डिग्री अमीन, उससे कम 2 डिग्री अमीन, और सबसे कम 3 डिग्री अमीन। और प्लस आई के आधार पर अपन देखें तो अमोनिया है वो 1 डिग्री अमीन से भी कम है, क्योंकि इसमें प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला कोई समूह उपस्थित ही नहीं है। तो अब देखिए, ये जो दो क्रम अपन ने देखे हैं, ये दोनों क्रम तो बिल्कुल विपरीत हो गए। प्लस आई प्रभाव के आधार पर इनके क्षारीय गुणों में देखिए सबसे ज्यादा 3 डिग्री अमीन और सबसे कम अमोनिया, और त्रिविम बाधा के आधार पर अपन देखें तो सबसे ज्यादा अमोनिया और सबसे कम 3 डिग्री एमीन। अब ये दोनों प्रभाव अलग अलग थोड़ी ना है, ये तो एक साथ काम करते हैं। तो दोनों एक साथ जब काम करेंगे और दोनों विपरीत प्रभाव हैं, तो इनका जो परिणाम आएगा वो दोनों प्रभावों को आपस में जोड़ने पर परिणाम के रूप में प्राप्त होता है। तो वास्तव में जो एमीनों में जो क्षारीय गुणों का क्रम है वो देखिए कैसे होगा। वास्तव में एमीनों में क्षारीय गुणों का क्रम
त्रिविम बाधार प्लस आई प्रभाव दोनों को सम्मिलित करते हुए क्रम देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ एल्किल समूह जितना बड़ा होगा त्रिविम बाधा उतनी ज्यादा होगी, एल्किल समूह जितना छोटा होगा त्रिविम बाधा उतनी कम होगी। तो यहाँ एल्किल समूह भी अपन अलग अलग प्रकार के लेते हैं। तो पहली कंडीशन ले रहे हैं अगर आर बराबर क्या है सी एस थ्री है, मेथिल समूह है, तो देखिए इनके क्षारीय गुणों का क्रम क्या होगा। सी एस थ्री एन एच सी एस थ्री 2 डिग्री एमीन सबसे ज्यादा क्षारीय होगा, इसमें त्रिविम बाधार प्लस आई प्रभाव दोनों को शामिल कर लिया। उससे कम सी एस थ्री एन एच टू मतलब 1 डिग्री एमीन, उससे कम 3 डिग्री एमीन, और उससे कम अमोनिया। ये क्रम कब होगा, जब एल्किल समूह मेथिल समूह के रूप में उपस्थित होगा तब होगा। सबसे ज्यादा 2 डिग्री अमीन क्षारीय है, उससे कम 1 डिग्री अमीन, और 3 डिग्री अमीन में त्रिविम बाधा का थोड़ा फर्क ज्यादा पड़ रहा है क्योंकि तीन बड़े समूह हो गए, तो ये 3 डिग्री अमीन इनमें कम है, उससे कम है अमोनिया। अब सेकेंड कंडीशन अगर R बराबर क्या है सी एस टू सी एस थ्री मतलब एथिल समूह है, थोड़ा बड़ा समूह अपन ने ले लिया, तो देखिएगा त्रिविम बाधा का फर्क ज्यादा पड़ेगा यहाँ पे। तो सी टू एच फाइव एन एच सी टू एच फाइव 2 डिग्री अमीन यहाँ पे फिर सबसे ज्यादा क्षारीय है, उससे कम सी टू एच फाइव एन एच टू 1 डिग्री अमीन। तो देखिए ये तो मेथिल लिया और एथिल लिया दोनों के लिए सेम ही है, 2 डिग्री अमीन सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे प्लस आई के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, उसका प्रभाव ज़्यादा है। अब यहाँ जो त्रिविम बाधा का फर्क पड़ेगा ना वो 3 डिग्री अमीन में पड़ेगा, अमोनिया, और फिर आता है इसमें तीन डिग्री अमीन। तो अगर एल्किल समूह की जगह एथिल समूह है तो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन है, 2 डिग्री अमीन है, उससे कम 1 डिग्री अमीन, उससे कम अमोनिया, और 3 डिग्री अमीन उससे भी कम क्षारीय हो जाता है। ये क्रम बहुत बार कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये दोनों क्रम आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो अपने को क्या पता होना चाहिए कि भाई एल्किल अमीन मतलब एलिफेटिक अमीन है और अमोनिया है, उसमें ज़्यादा क्षारीय कौन है, एल्किल अमीन ज़्यादा क्षारीय है। कारण अपन ने देखा कि भाई प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ गया। अब इसमें प्राथमिक अमीन द्वितीयक अमीन तृतीयक अमीनों की आपस में तुलना करी अपन ने, साथ ही अपने क्षारीय गुणों की तुलना करी अमोनिया के साथ। तो देखिए दो प्रभाव अपने देखे, प्लस आई प्रभाव के आधार पर तो ये होना चाहिए 3 डिग्री अमीन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, त्रिविम बाधा के आधार पर 3 डिग्री अमीन के क्षारीय गुण सबसे कम होने चाहिए, क्योंकि दोनों प्रभाव एक साथ काम कर रहे हैं, है ना। तो जो परिणाम आएगा जो प्रभाव पड़ेगा वो मिला जुला पड़ेगा, दोनों प्रभावों का जो परिणामी प्रभाव होगा उसके आधार पर पड़ेगा। तो अगर मेथिल समूह है तो सबसे ज़्यादा क्षारीय गुण 2 डिग्री अमीन, फिर 1 डिग्री अमीन, फिर 3 डिग्री अमीन, और सबसे कम अमोनिया है। लेकिन अगर एथिल लेंगे तो जो 3 डिग्री अमीन है वो अमोनिया से भी कम क्षारीय हो जाते हैं, क्योंकि एथिल समूह बड़े होने के कारण उनकी त्रिविम बाधा बहुत ज़्यादा हो जाती है, इससे क्या हो जाएगा 3 डिग्री अमीन है उनके क्षारीय गुण अमोनिया से भी कम हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब देखिए अपन तुलना करते हैं एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीनों के बीच। तो देखिए क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या है, एरोमेटिक अमीन्स अमोनिया व एलिफेटिक
एमीन्स से कम क्षारीय होते हैं। क्यों? ये प्रश्न बनता है। तो देखिएगा इसका सिंपल सा उत्तर क्या है, क्योंकि एरोमेटिक एमिनो में अनुनाद पाया जाता है, और अनुनाद में देखिए क्या है आंसर, एरोमेटिक एमीन्स में अनुनाद पाया जाता है। जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। इस प्रकार का अनुनाद होगा जिससे नाइट्रोजन है, अमीनो जो एनएस टू समूह है उसका नाइट्रोजन है, उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। अनुनाद देखिए कैसे, यहां जो अपन एनिलीन का उदाहरण ले रहे हैं उसमें नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर और बेंजीन वाले का जो ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये संयुग्मी अवस्था में है, तो इससे क्या होगा अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर देखिए बेंजीन वाले की तरफ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्थो स्थिति पे चले गए, तो नाइट्रोजन और बेंजीन वाले के कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आ गया, नाइट्रोजन पे धनावेश ऑर्थो स्थिति पे ऋणावेश, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर और ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे पैरा स्थिति पे। तो पैरा स्थिति पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां डबल बॉन्ड, ये NH2 समूह नाइट्रोजन पे प्लस, फिर इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन चले गए यहां ऑर्थो स्थिति पे, यहां माइनस और ये डबल बॉन्ड NH2 है ही नाइट्रोजन पे प्लस, और फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन वापस नाइट्रोजन पे चले गए। तो ये एनिलीन में पाई जाने वाली अनुनादी संरचनाएं हैं, ये अनुनादी संरचनाएं आपको बनानी आनी चाहिए, सिर्फ एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं भी पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इन अनुनादी संरचनाओं में आप क्या देख रहे हैं कि इन पांच अनुनादी संरचनाओं में तीन अनुनादी संरचनाएं ऐसी हैं जिनमें नाइट्रोजन पर धनावेश उत्पन्न हो गया, इस धनावेश के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान काफी कम हो जाता है और आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन्स ने ही या लुईस अम्ल के लिए ये नाइट्रोजन पर उपस्थित जो लोन पेयर है ये आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अब नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म उपलब्ध नहीं हो पाएंगे आसानी से, तो उनके क्षारीय गुण कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इन अनुनादी संरचनाओं के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, इससे एरोमेटिक अमीनों के जो क्षारीय गुण हैं वो एलिफेटिक अमीनों से कम हो जाते हैं, और इनके जो क्षारीय गुणों का जो क्रम है वो कैसे हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एलिफेटिक अमीन, फिर अमोनिया और फिर एरोमेटिक अमीन। तो इनके जो क्षारीय गुणों का क्रम है वो देखिए, अतः क्षारीय गुणों का क्रम क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन, क्योंकि एलिफेटिक एमीन में तो एल्किल समूह नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहे हैं, उससे कम अमोनिया। और उससे कम
एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक एमीन, क्योंकि एरोमेटिक अमीन में अनुनाद के कारण नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो रहा है। तो ये एलिफेटिक अमीन अमोनिया और एरोमेटिक अमीनों के क्षारीय गुणों की आप इस तरह से तुलना कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्षारीय गुण, यही इसका अमीनों का मुख्य अभिलक्षणिक गुण है, ठीक है ना। अब चूंकि एमीन क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं तो निश्चित रूप से अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाएंगे, यही तो गुण होता है ना कि भाई क्षार क्या है, अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। तो एमीनों के क्षारीय गुण को दर्शाने वाली कुछ अभिक्रियाएं अपन देखते हैं। एमीन्स के क्षारीय गुणों को दर्शाने वाली कुछ अभिक्रियाएं अपन देखें। अम्लों के साथ क्रिया कराएंगे तो निश्चित रूप से क्या बनेगा, लवण बनेगा। तो देखिएगा, जैसे अपन लेते हैं कोई एलिफेटिक अमीन RnH2 और उसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवा रहे हैं, तो क्या होगा, RnH3+Cl-। HCl में से जो H+ है वो लोन पेयर के साथ जुड़ जाएगा नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा और उसके साथ Cl- जुड़ जाएगा, क्या बन गया, एल्किल एमोनियम क्लोराइड बन गया। एल्किल अमोनियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। वैसे ही अगर आप इसकी क्रिया H2SO4 से कराएं तो क्या बनता है, क्योंकि H2SO4 में 2H+ है तो इसके दो अणु लग जाएंगे एमीन के, और यहाँ पे 2H+ दो अणुओं के साथ में इस तरह से जुड़ जाएंगे और क्या हो जाएगा, एल्किल अमोनियम सल्फेट बन गया, क्योंकि सल्फेट पे 2- है, तो ये है एल्किल अमोनियम सल्फेट। और देखिएगा, अगर एमीनों की क्रिया HAUCl4 क्लोरोऑरिक एसिड से करवाते हैं, क्लोरोऑरिक एसिड, तो वही इसमें जो H+ है वो नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, RnH3 नाइट्रोजन पे प्लस और यहाँ क्या आ गया, AuCl4 और इस पे माइनस, तो एल्किल अमोनियम क्लोरोऑरेट का निर्माण हो गया, एल्किल अमोनियम क्लोरोऑरेट का निर्माण हो गया, लवण है ये। तो अमीन है वो क्या कर रहे हैं, अम्लों के साथ क्रिया करके लवणों का निर्माण कर रहे हैं जो इनके क्षारीय गुणों को प्रदर्शित करता है। और अभिक्रिया देखिए, अगर आप अमीन की अभिक्रिया H2PtCl6, तो क्या नाम है इसका, क्लोरो प्लेटिनियम एसिड, क्लोरो प्लेटिनियम एसिड, तो देखिए क्या होगा, इसमें कितने H+ निकलेंगे, 2H+ निकलेंगे, तो इसके एमीन के दो अणु काम में आएंगे, तो RnH3 नाइट्रोजन पे प्लस, ये कितने हैं, 2, और ऋणायन के रूप में PtCl6, ये इसमें ऋणायन के रूप में है, तो क्या नाम है इसका, एल्किल अमोनियम
क्लोरो प्लेटिनेट ये लवण बन गया, सॉल्ट बन गया। तो देखिए जो अपने कुछ उदाहरण देखे हैं, कुछ अभिक्रियाएं देखी हैं, उनमें हो क्या रहा है, जो एल्किलामीन है वो अम्लों के साथ क्रिया करके लवण बना रहे हैं। इसका मतलब ये एमीन क्षारीय गुण दर्शाते हैं। ठीक है, तो क्षारीय गुणों का अपने क्रम भी देखा, इसके कुछ उदाहरण भी देखे। नेक्स्ट वीडियो में अपन बचे हुए जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एमीनों की वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुने समझें और नोट्स बनाएं, आगे भविष्य में आपके रिवीजन में काम में आएगा। और रिवीजन में आप मेरे वीडियोस वापस भी तो देख सकते हैं। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।